और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एनके फार्मेसी नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में कल हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आठ स्कोप नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। फ्रेंड्स, आज हम बाकी के 2 स्कोप्स को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस सब्जेक्ट जो चल रहा है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 8 स्कोप तक क्लियर कर लिया था और हमारा जो आज स्कोप नंबर 9 है वो है एम्ब्रियोलॉजी मींस भ्रूण विकास। एम्ब्रियोलॉजी को दोस्तों भ्रूण विकास भी कहते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो फ्रेंड्स, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास जिसको कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। निषेचन के पहले आठ सप्ताह के बाद का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एक बार फिर स्कोप नंबर 9 एम्ब्रियोलॉजी, जिसका मींस भ्रूण विकास। इसका अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे आप इंग्लिश में, स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हिंदी अनुवाद इसका जो हिंदी मींस होगा समझ लेते हैं, निषेचन के पहले 8 सप्ताह के बाद का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा स्कोप नंबर 9 समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कोप की तरफ, स्कोप नंबर 10। और हमारा लास्ट स्कोप नंबर 10 हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान, इसको हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऊतक विज्ञान। तो दोस्तों, जान लेते हैं ऊतक विज्ञान की डेफिनेशन के बारे में, कि क्या डेफिनेशन है, इसके आगे आपको बताएंगे इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू फंक्शन। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। दोस्तों, समझ लेते हैं इसका हिंदी में क्या अनुवाद होगा हमारी डेफिनेशन का। तो आइए जानते हैं,
ऊतक के कार्य तथा उसकी संरचना के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने स्कोप नंबर 9 को समझ लिया था, आइए एक बार फिर से हम अपने स्कोप नंबर 10 को जान लेते हैं। हिस्टोलॉजी, जिसको हम ऊतक विज्ञान कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन दोस्तों, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू फंक्शन, ऊतक के कार्य तथा उसकी संरचना के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जो हमारे एनाटॉमी के 10 स्कोप चल रहे थे, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, सारे आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा 2 स्कोप थे, आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड होता है इसका। आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड्स कराएंगे हमारी फिजियोलॉजी के स्कोप। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, हमारे एनाटॉमी में 10 स्कोप होते हैं और हमारी फिजियोलॉजी में 8 स्कोप होते हैं। तो वीडियो दोस्तों, अगली वीडियो में हम कल से जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो हमारे फिजियोलॉजी के 8 स्कोप स्टार्ट होंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और लेटेस्ट जानकारी का लाभ उठाते रहिए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको और आपके रिलेटिव्स को नई से नई जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आ, कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हमें आपका मोटिवेट, आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे फिजियोलॉजी के 8 स्कोप के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।